हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार की। परिवहन और संचार का सीधा माध्यम क्या है? देखिए, परिवहन के तीन माध्यम हमें आज के समय में दिखाई देते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं सड़क परिवहन, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं वायु परिवहन, और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं रेल परिवहन। परिवहन का सामान्य अर्थ होता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, कृषि उपज, वन उपज या खनिज उपज, अर्थात किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। वही जब हम संचार की बात करते हैं तो किसी विशेष सूचना को विभिन्न विधियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। इसके अंतर्गत हमें दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। परिवहन की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति या वस्तु या खनिज उपज, कृषि उपज या फिर किसी प्रकार के वन उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन मुख्यतः परिवहन के तीन साधन होते हैं, हमने बात करी। पहला होता है सड़क परिवहन, दूसरा होता है रेल परिवहन और तीसरा हमारा होता है वायु परिवहन। जब सड़क परिवहन की बात की जाए तो सड़क परिवहन जो है यह एक सरल माध्यम है परिवहन का। वहीं रेल परिवहन जो है वह एक सस्ता और सरल माध्यम है, लेकिन इसमें वायु परिवहन की जब हम बात करते हैं तो वायु परिवहन जो है वो एक महंगा साधन है परिवहन का, परंतु यह सरल भी है और इससे बहुत ही कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम रेल परिवहन की बात करते हैं तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो इस कारण से यहाँ पर जो है समय ज़्यादा लगता है। जब हम बात करते हैं सड़क परिवहन की तो मध्य प्रदेश में जो सड़क परिवहन है उसके हिसाब में जब हम चीज़ें देखते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं वो सतना जिले के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1 जून 1962 में की गई थी और इसे 1 जून 1962 में स्थापित तो किया गया, परंतु वर्ष 2002 में इसे विघटित कर दिया गया। सर्वाधिक सड़क घनत्व किस जिले में है? सतना जिले में, यह हमने देख लिया। न्यूनतम सड़क घनत्व किस जिले में है? तो श्योपुर जिले में मध्य प्रदेश का न्यूनतम सड़क घनत्व है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक क्षेत्र है। अब मान लीजिए इस क्षेत्र से बहुत सारी सड़कें निकल रही हैं, एक सड़क यहाँ जा रही है, फिर एक यहाँ जा रही है, दूसरी सड़क यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ये ये ये, और ये सारी जो सड़कें हैं ये एक स्थान पे एक दूसरे को मिलाती हैं इस स्थान पे। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सड़कें हैं तो इस कारण से इस स्थान में सड़क घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया। वहीं एक छोटा सा स्थान मान लीजिए और जहाँ पर सिर्फ एक ही सड़क है जो एक 20 से निकल रही, तो यहाँ पे सड़क घनत्व कम हो गया। तो वैसे ही ये जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला है ये है सतना, और सबसे कम घनत्व वाला जिला जो है वो है श्योपुर। सड़क वर्ष, वर्ष 2005 को मध्य प्रदेश का सड़क वर्ष घोषित किया गया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सड़कों का निर्माण हुआ था। सबसे लंबा नेशनल हाईवे, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? इससे पहले आपको ये समझना होगा कि नेशनल हाईवे कहते किसको हैं। जो ये हमें मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की सड़कें दिखाई देती हैं, इनमें से सबसे बड़ी सड़क जो कि देश की राजधानी तक जाती है, अन्य राज्यों को राजधानी तक जोड़ती है, उसे नेशनल हाईवे कहा जाता है या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो है NH 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। NH 46, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 46।
इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 135 BB, नेशनल हाईवे 135 BB। अब इनमें किलोमीटर देख लेते हैं कितने किलोमीटर लंबा है, तो जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो है 7.5 किलोमीटर लंबा मात्र, और जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो कि पूरे मध्य प्रदेश से गुजरता है वो है 634 किलोमीटर स्क्वायर, 634 किलोमीटर गुजरता है। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा होता है राज्य राजमार्ग, तीसरा होता है जिला राजमार्ग और चौथा होता है ग्रामीण राजमार्ग। तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग वे राजमार्ग होते हैं जो कि अन्य राज्यों की सड़कों को, जो सड़क मेन मध्य देश की राजधानी के साथ जोड़ती है तो उसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। वहीं वे सड़कें जो कि राज्य मुख्यालय के साथ, राज्य की राजधानी के साथ अन्य सड़कों को जोड़ती है उसे राज्य राजमार्ग कहा जाता है। जिला मार्ग की बात करें तो ये वे क्षेत्र होते हैं जो कि अन्य सड़कों को जिला मुख्यालय के साथ जोड़ते हैं, जिला मार्ग कहलाते हैं। और एक गांव को दूसरे गांव के साथ, एक ग्राम को दूसरे ग्राम के साथ जोड़ने वाले क्षेत्र जो होते हैं उन्हें ग्रामीण मार्ग या ग्रामीण मार्ग कहा जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हमने बात कर ली, ये वे राजमार्ग हैं जो कि देश की राजधानी के साथ आगे चलकर जुड़ते हैं। इस कारण से इनका संरक्षण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और केंद्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के द्वारा इनका रखरखाव भी होता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो मध्य प्रदेश से गुजरता है, तो वो है NH-46। इसके साथ ही साथ में कुल कितने किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है, तो कुल 8,858 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय राजमार्ग फैले हुए हैं। फिर बात कर लेते हैं राज्य की राजमार्ग की, तो राज्य की राजमार्ग वह राजमार्ग है जो कि राज्य की राजधानी के साथ अन्य जिलों की सड़कों को जोड़ते हैं, अन्य क्षेत्रों की सड़कों को जोड़ते हैं, उन्हें ही राज्य की राजमार्ग कहा जाता है। और इन राज्य की राजमार्गों का संरक्षण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, तो इस कारण से राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा इनका रखरखाव भी होता है। सबसे बड़ा कौन सा राजकीय राजमार्ग है, तो वो है छिलपी से लेकर बड़ोदरा तक का राजकीय राजमार्ग जो कि सबसे बड़ा है। इसके साथ ही साथ में इनकी संख्या 48 है, अर्थात ये इनकी संख्या कितनी है, तो 48 राज्य की राजमार्ग मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। 11,389 किलोमीटर में ये फैले हुए हैं साथ ही साथ में। फिर बात करते हैं जिला मार्ग की, तो जिला मार्ग वह क्षेत्र होता है जो कि वह मार्ग होते हैं जो कि जिला मुख्यालय के साथ अन्य जिलों की सड़कों को जोड़ते हैं, अन्य क्षेत्रों की सड़कों को छोड़ते हैं। बात कर लेते हैं कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 22,091 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। इसके साथ ही साथ में इनका उद्देश्य क्या होता है, हमने बात कर ली कि जिला मुख्यालय से अन्य सड़कों को जोड़ना। ग्रामीण मार्ग, ग्रामीण मार्ग का रख रखाव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाता है और इसकी लंबाई है 28,623 किलोमीटर तक, अर्थात सबसे ज़्यादा कौन सी सड़कें हैं, तो ग्रामीण सड़कें हैं। इसके अलावा आपको पता है मध्य प्रदेश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो ग्रामों पर निवास करती है और कृषि आधारित है मध्य प्रदेश राज्य, तो इस कारण से यहाँ पर ग्रामीण सड़कें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो हमारी राज्य की सड़कें हैं इसमें सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है छिलपी से लेके बड़ोदरा तक। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH-46 जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, इतना आपको यहाँ पे क्लियर याद रखना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मुख्य सड़क योजनाओं की, तो इन सड़क योजनाओं के संबंध में सबसे पहली जो योजना सामने आती है, देखिए मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर सड़कों में बहुत ज़्यादा काम किए गए हैं और उन कामों को करने के लिए कुछ योजनाओं को लाया गया था और इन्हीं योजनाओं को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक योजना आई जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वर्ष 2000 में लाया गया था
और वर्ष 2000 में यह जो योजना थी, यह इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रामों में और जो छोटे क्षेत्र हैं वहां पर बेहतरीन और 12 माहसी सड़कों का निर्माण हो सके। इसका अर्थ यह है कि जो कीचड़ हो जाते हैं ना बरसात के समय में, वो सब ना हो, गाँव में गड्ढे की समस्या देखने ना मिले और परिवहन थोड़ा आसान हो जाए, तो इस वजह से इस योजना को लाया गया था। तो इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और इसके तहत लगभग 500 विकास खंड और 250 आदिवासी विकास खंडों के अंतर्गत नई सड़कों का निर्माण किया गया था और ये सड़कें बेहतरीन किस्म की और साथ ही साथ में 12 मासी सड़कें बनाई गई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ वर्ष 2010 और 2011 में किया गया था। इस सड़क योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, इसमें जो सड़कें बनाई गई थी उन सड़कों के पुनः निर्माण की बात हुई थी। यहाँ पर 500 से लेकर 250 तक की आबादी वाले क्षेत्र या फिर इनसे कम आबादी वाले क्षेत्रों पे सड़कों का निर्माण भी किया गया था इस योजना के अंतर्गत। और जो मुख्यमंत्री योजना है, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो सड़कों का निर्माण किया गया था उन सड़कों का पुनः निर्माण भी इस योजना के अंतर्गत किया गया। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, मुख्यमंत्री की जो खेत सड़क योजना आई है, ये जो योजना है इसे वर्ष 2014 में लागू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने यह योजना घोषित की थी कि किसान जो है, किसानों को अपने घर से लेकर अपने खेत तक की रोड बनाकर दी जाएगी जिससे उनको सुविधा हो सामान लेके आने में और लेके जाने में, सिंचाई वगैरह में सुविधा हो। इस कारण से इस योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 2014 में। नर्मदा एक्सप्रेसवे जो है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनेगा और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भी होगा। अपनी बस सूत्र सेवा इंदौर जिले में शुरू की गई है, यह वर्ष 2018 को शुरू की गई है। इसके अलावा जो अमृत योजना है, ये इसी के अंतर्गत अपनी बस सूत्र सेवा का प्रारंभ किया गया है। अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन पूरा समाप्त हो गया, अब हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में रेल परिवहन। जब रेलों की बात करते हैं, ट्रेन की जब हम बात करते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ट्रेन धीरे चलती हैं, इसके अलावा सस्ती होती हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बहुत जगह ट्रेन है पर छोटी लाइन की ट्रेनें हटा दी गई हैं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो हम शुरू से लेके चलते हैं कि ये कैसे इतिहास से कैसे सामने आया और अभी तक हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी, रेल परिवहन की मुख्य परिभाषा यह है कि रेल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता, सुगम और सरल अवसर है, सरल परिवहन है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1867 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1867 से लेके 1878 तक रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी मध्य प्रदेश के क्षेत्र पे। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी और सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वो चली थी प्रयागराज से जबलपुर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी रेलवे जंक्शन। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में कुल रेल फैली हुई है, कुल रेल क्षेत्र है, तो 4,955 किलोमीटर के क्षेत्र में कुल रेल्स फैली हुई हैं। इसके अलावा कहीं कहीं आपको ऑप्शन में ये ना मिलके तो आपको मिलेगा 5,992 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। मध्य प्रदेश में जब हम ट्रेन की बात करते हैं तो हमें कुछ फैक्ट देखने पड़ते हैं, जैसे कि राज्य का पहला रेल मार्ग कौन सा था, तो जबलपुर से प्रयागराज का जो रेल मार्ग था वही राज्य का पहला रेल मार्ग था। राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है उसका नाम है इटारसी। वहीं निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है भोपाल रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो यहाँ आंसर आएगा आपका हबीबगंज। प्रथम ISO प्रमाणित ट्रेन कौन सी है, तो हजरत निजामुद्दीन जो है वो प्रथम ISO प्रमाणित ट्रेन है, तो ये है हजरत निजामुद्दीन।
ये जो हजरत निजामुद्दीन है ना, ये ISO प्रमाणित ट्रेन है, और कहाँ से निकलती है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन से निकलती है। रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री जो है वो भोपाल जिले में स्थित है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का रेलवे स्लीपर कारखाना जो है वो बुधनी में है, और बुधनी जो है वो सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। यहां हो जाएगा सीहोर। इसके अलावा एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा नैरोगेज जंक्शन जो कि छोटी लाइन का है वो कहाँ स्थित है? तो वो नैनपुर में स्थित है, और नैनपुर जो है वो मंडला जिले के अंतर्गत आता है। नैनपुर जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में रेलवे जोन्स की, तो मध्य प्रदेश में रेलवे जोन को चार भागों में बांटा गया है। वहीं पश्चिमी मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय जबलपुर में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, ठीक। और बाकी जो रेलवे जोन्स हैं वो कितने भागों में बटे हैं मध्य प्रदेश में, हम ये देखेंगे। ये जो पश्चिमी मध्य रेलवे है ना, ये भारत के इम्पोर्टेंट रेलवे जोन्स में से एक है, इस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश के रेलवे जोन्स की, तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे में मध्य प्रदेश के रेलवे जोन्स को बांटा गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि वायु परिवहन जो है वो कम समय लेता है, इसके अलावा थोड़ा महंगा होता है, और सबसे ज़्यादा सरल साधन है परिवहन करने का। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ 26 जुलाई 1948 को हुआ था। मध्य प्रदेश विमानन विभाग एवं विमानन संचालनालय की स्थापना 1 जून 1982 को की गई थी। जब भी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जो हवाई अड्डा है वो है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। और देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो है वो इंदौर जिले के अंतर्गत आता है, और यही वो हवाई अड्डा है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। इसके अलावा राजा भोज हवाई अड्डा जो है यह भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल जिले के अंतर्गत आता है, और ये वाला जो है देवी अहिल्याबाई ये इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। खजुराहो हवाई अड्डा छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। जबलपुर हवाई अड्डा जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। ग्वालियर हवाई अड्डा जो है नामी से स्पर्श है कि ग्वालियर के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं अन्य निजी हवाई पट्टियों की। अब ये क्या है, देखिए मध्य प्रदेश में जो प्रमुख हवाई अड्डे थे हमने उनको देख लिया। पहला हो गया राजा भोज, दूसरा हो गया देवी अहिल्याबाई, तीसरा हो गया खजुराहो, चौथा हो गया ग्वालियर, और पांचवा हो गया जबलपुर हवाई अड्डा। तो पांच मुख्य हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसमें से दो अंतर्राष्ट्रीय हैं, पहला है राजा भोज और दूसरा है देवी अहिल्याबाई होलकर। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में निजी हवाई पट्टियां भी पाई जाती हैं। अच्छा, एक हवाई पट्टी वाला जो नेशनल पार्क है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, आपको ये भी याद रखना है। और एकमात्र पर्यटन स्थल जहाँ पर हवाई पट्टी है या हवाई अड्डा स्थित है वो है खजुराहो, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। निजी हवाई पट्टियों की बात करेंगे तो डायमंड सीमेंट फैक्ट्री दमोह में एक निजी हवाई पट्टा है। इसके अलावा ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में एक निजी हवाई अड्डे हैं। ग्रेसिन इंडस्ट्री नागदा उज्जैन में भी एक निजी हवाई अड्डा स्थित है। अब बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में संचार की। मध्य प्रदेश में परिवहन को हम देख चुके हैं, परिवहन के प्रकारों को देख चुके हैं, तीनों चारों प्रकारों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। संचार की जब हम बात करते हैं तो किसी विशेष सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। अब ये जब हम पहुंचाते हैं तो ये विभिन्न प्रकार से पहुंचाया जा सकता है, या तो हम अपने मुंह से बता के दूसरे के कानों में ये बात पहुंचा दें, या तो हम किसी लेटर में लिख के, किसी पत्र में लिख के, किसी कागज में लिख के उसको पहुंचाएं, या तो आजकल हम सोशल मीडिया के थ्रू किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर संचार के माध्यमों की बात करते हैं कि संचार के मुख्य माध्यम कौन कौन से होते हैं। पत्रिकाएं जो सबसे ज़्यादा फेमस है और प्रचलित भी है, आकाशवाणी,
डाकघर, समाचार सेवा, दूरदर्शन और दूरसंचार के माध्यम से हम देखते हैं कि संचार किया जा सकता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको याद नहीं रखना है। हम बात कर लेते हैं कि कब किसकी शुरुआत की गई थी, इतना आपके लिए पूछा जा सकता है और ये महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले डाकघरों की शुरुआत कब की गई थी, तो 1837 में डाकघरों की शुरुआत की गई थी। और डाकघरों से सीधा मतलब ये था कि हम पहले डाक, वो एक गाना था ना, डाकिया डाक लाया, और हम डाक लेते थे और भेजते भी थे फैमिलीज़ के पास। जब त्यौहार होते थे तो मनी ऑर्डर्स आते थे, तो डाकिया के थ्रू ही आते थे, तो ये डाकघर उसी की बात हो रही है। दूरसंचार सेवा की हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। आकाशवाणी, आपने बहुत सारे रेडियो पे आकाशवाणी का प्रसारण सुना होगा, ये उस आकाशवाणी की बात चल रही है, और इसकी स्थापना 1955 में। इसके अलावा दूरदर्शन जो है यह भी संचार का एक प्रमुख माध्यम रहा है। जब समाचार पत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो था वह था ग्वालियर गजट। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक और समाचार पत्र प्रमुख है और बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जो कि है मालवा अखबार। पत्रिकाएं की बात करते हैं, मध्य प्रदेश से बहुत सारी पत्रिका निकलती हैं, लेकिन एक पत्रिका जो प्रमुख है वो है खेल हलचल, जो कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है। इसके साथ ही हमारा मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके साथ में ही अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।